नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जगह, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज था आपका 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को आपका बिहार दरोगा 1275 वैकेंसी के लिए आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम आपका समाप्त हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया था, तो उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया था पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर के साथ। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में देखेंगे 17 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में आपके 100 जो प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश रियल प्रश्न मिल गए। 100 में 100 तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ जितना बताएंगे उतना अभी तक YouTube पर आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से मिला लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना सही हुआ और कितना कटअप जाएगा, उसके बारे में भी अंत में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, मोबाइल सारथी जो ऐप है किसने लॉन्च किया है, तो मोबाइल सारथी ऐप की बात करेंगे। तो सारथी ऐप आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका सेबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है, सरकारी आयोग की बात करेंगे तो केंद्र राष्ट्र संबंध से इसका संबंध था, तो इसका राइट आंसर आपका केंद्र राष्ट्र संबंध हो जाएगा। अगला है देशबंधु किसे कहा जाता है, तो देशबंधु की बात करेंगे तो चितंदन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला है काला शोक किस वंश से संबंधित है, तो काला शोक की बात करेंगे तो शिशुनाग वंश से संबंधित है, इसका राइट आंसर शिशुनाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार SSC का कर रहे हैं या बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम देना होगा, तो या SSC बैंक रेलवे या किसी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं उसका अगर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन का मॉक लगाना चाहते हैं, तो अभी तक का सबसे अच्छा फिल्म टेस्ट बुक है। टेस्ट बुक को आपका ऑफर भी चल रहा है वार्म्थ ऑफ सक्सेस सेल के नाम से, जो कि आपका 15 से 18 दिसंबर के बीच चलेगा। इसमें जो आपका टेस्ट बुक का जो 5 से मात्र 269 रुपये में, और टेस्ट बुक का जो 5 प्रो है वो मात्र 359 रुपये में मिलने वाला है। 5 प्रो अगर आप लीजिएगा तो इसमें आप एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, साथ में PYQ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप लोग जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। टेस्ट बुक जो मॉक होता है सभी एग्जामों के लिए आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, पेलाग्रा रोग की बात करेंगे तो विटामिन B3 की कमी के कारण आपका पेलाग्रा नामक रोग होता है। अगला है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा पेश किया गया था। अगला है कि तैरता झील किसे कहा जाता है, तो तैरता झील की बात करेंगे तो लोकटक झील है, जो कि आपका मणिपुर में स्थित है, उसी को तैरता झील के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका लोकटक झील हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, सन 2011 से मनाया जा रहा है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी का इस दिन जन्म हुआ था, इस कारण हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है द एज ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका आंसर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए हैं, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि द एज ऑफ टाइम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, अगर आप लोग को मालूम है तब। अगला पूछा गया था हून फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हून फेस्टिवल की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर होगा। अगला है कौन सा हार्मोन आपका वृद्धि संवर्धन हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑक्सिन होगा। ठीक है, ऑक्सिन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सुरक्षा जमा राशि के बारे में बताना था कि भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आपको कितना जमानत राशि जमा करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको 15,000 रुपये का जमानत राशि देना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर आपका 15,000 रुपये हो जाएगा। अगला है पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय वर्ष कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर आपका 1849 हो जाएगा, 1849। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो ये तुगलक वंश का शासक था, जो कि दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी जो कि स्थानांतरित कर दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका देवगिरी हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ को लेकर थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगला हिटलर का जन्म स्थान आपसे पूछा गया था, तो हिटलर का जन्म स्थान की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के वान नामक स्थान पर इसका जन्म होता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बिहार दरोगा से हर पल अपडेट पाने के लिए। अगला है पित्त ज्वर में सबसे अधिक प्रचलित दवा कौन सी है, ये पूछा गया था, तो पित्त ज्वर में सबसे जो अधिक प्रचलित जो दवा है वो आपका सेफ्लोस्पोरिन है, तो इसका राइट आंसर आपका सेफ्लोस्पोरिन हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है, तो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद है, चुनाव आयोग का संबंध की बात करेंगे तो 324 अनुच्छेद से है, 324 से लेकर 329 तक का जो अनुच्छेद है वो आपके चुनाव आयोग से ही संबंधित है। अगला है कि भारत में कौन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो श्रम ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका 100% राइट आंसर था। अगला है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, तो π r + r² + h² + r² इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सबसे ऊपर कौन सा जैव मंडल स्थित है, तो नंदा देवी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, बाकी सब नीचे वाला दिया गया था।
आपका पूछा गया था लुई सोलोमा किस वंश का शासक था, तो लुई सोलोमा आपका फ्रांस का एक नेता था, वो आपके बोर्बोने वंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर बोर्बोने हो जाएगा। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रथम जो विश्व युद्ध है आपका 1914 से 1918 तक चला था, इसमें महिलाओं पर प्रभाव यह पड़ा कि महिलाएं बाहर निकलकर कारखाने वगैरह में काम करने लगी थी, तो इसका आपका राइट आंसर था। अगला है, दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो दिहांग दर्रा की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला है, सेंटियागो किसकी राजधानी है पूछा गया था, तो सेंटियागो की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका चिली का राजधानी है, चिली की बात करेंगे तो ये आपका दक्षिण अमरीका का एक देश है, ठीक है, पेरू चिली सब आपस में लगता है, तो चिली का राजधानी आपका सेंटियागो है। अगला है, येन किसकी राजधानी है, तो येन की बात करेंगे तो येन आपका राजधानी है जापान का, तो इसका राइट आंसर जापान होगा। अगला है, लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है, तो लाल लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो चाय और कहवा के लिए प्रसिद्ध होता है, ऑप्शन में आपका चाय दिया गया था, तो राइट आंसर होगा चाय, ठीक है। अगला है, कर्पूरी देवी किस कला से संबंधित है, तो कर्पूरी देवी की बात करेंगे तो यह मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका मधुबनी पेंटिंग होगा, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। अगला है, पीआर श्रीदेश और सविता पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो पीआर श्रीदेश और सविता पुनिया की बात करेंगे तो आपका हॉकी प्लेयर है, तो इसका राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा, हॉकी, ठीक है। अगला है, चार ऑप्शन दिए गए थे, उसको मिलान करना था अनुच्छेद से, तो ग्राम पंचायत का अनुच्छेद दिया गया था जो कि अनुच्छेद 40 से मिलान करना था, सिविल संहिता का अनुच्छेद दिया गया था अनुच्छेद 44 से मिलान करना था, कार पालिका को न्यायपालिका से पृथककरण करना था अनुच्छेद 50 के तहत, पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद दिया गया था अनुच्छेद 48 को मिलान करना था, तो इस प्रकार आपको मिलान कर लेना था। अगला है, ओजोन परत के लिए कौन सा गैस हानिकारक है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका राइट आंसर था 100%। अगला है, तांबा हरा किसके कारण होता है, तो देखिए तांबा जब हवा के संपर्क में आता है तो हवा के संपर्क में आने से ये जंग खा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ये तांबे के बर्तन को हरा रंग देता है, ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, लोक कल्याणकारी राज्य किसमें नहीं थे, तो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे तो राज्य की नीति निदेशक तत्व में उड़ने थे, राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे तो 36 से लेकर 51 तक का जो अनुच्छेद है आपका राज्य की नीति निदेशक तत्व से ही संबंधित है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग चार में वर्णित है। अगला है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम किसका था, तो अरुणाचल प्रदेश का था। अगला है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा गया था किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो अंडमान और निकोबार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व आपका सबसे कम है, और केंद्र शासित प्रदेश में ही बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो आपका जो लक्षद्वीप है वहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला है, बिहार में सबसे कम साक्षरता किस जिले का है, तो बिहार में सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो ये पूर्णिया जिले का है, तो इसका राइट आंसर पूर्णिया होगा। अगला है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट की बात करेंगे तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला है, पालर पानी क्या है, तो वर्षा का पानी को ही हम लोग पालर पानी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका वर्षा का पानी होगा। अगला है, MPC क्या है, MPC की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है मौद्रिक नीति समिति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत सरकार के द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था, तो अपने ऑप्शन के अनुसार इसको सही कर लीजिएगा। अगला है, ब्रिक्स समिट 2023 कहाँ हुआ था, तो ब्रिक्स समिट 2023 की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, जब आपका चंद्रयान आपका लॉन्च हुआ था सफलतापूर्वक 23 अगस्त को आपका उतरा था, ठीक है, तो 23 अगस्त से पहले 22 अगस्त को जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वो तो आपके ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे, ठीक है। जैसे ही 23 अगस्त को भी आपके दक्षिण अफ्रीका में ही आपके प्रधानमंत्री रहते हैं, वहीं से आपका एक भाषण देते हैं, इसके बाद आपको ब्रिक्स समिट से डायरेक्ट आपके चंद्रयान जहाँ पर इसका ऑफिस है इसरो का वहाँ पर आपके जाते हैं। बिहार में सबसे अधिक जंगल किस जिला में है, तो इसका राइट आंसर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सबसे अधिक जंगल आपका पश्चिमी चंपारण में है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा था, तो पश्चिम बंगाल का फरक्का गंगा डेल्टा नदी का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला है, यूनेस्को का मुख्य कार्य पूछा गया था, तो इसका कार्य शिक्षा प्रकृति तथा समाज विज्ञान संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है, इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था का गठन आपका 16 नवंबर 1945 को हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, राज्य विधान परिषद का न्यूनतम संख्या पूछा था, तो राज्य विधान परिषद में जनसंख्या की न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 40 से कम है, जो कि नहीं होना चाहिए। वहीं पर फर्स्ट सीट में आपसे पूछा गया था राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा का न्यूनतम अधिकतम संख्या पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 500 था, ठीक है।
तो ये सभी फ्रेंड्स आपके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। इस और सेकंड शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन अभी तक मिल रहा है, बाकी और भी क्वेश्चन आप प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आकर एक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्टबुक से आप लोग जुड़ सकते हैं। टेक्स्टबुक ऑफर भी चल रहा है वार फ्रॉम सक्सेस सेल के नाम से, जो कि आपके 15 से 18 दिसंबर के भी चलना है। APJ कूपन को जरूर यूज कीजिएगा, 10% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार दुर्गा ऐसे हर पल अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।